यही तो गयो, कुछ भी ना हो जी जाता ही वहां से कुल्हाड़ी इंसू काट के फावड़े इंसू में तो रोती रोती घर से गई। और अपनी सियाणी बेटी पोती और वहां की अखा बिचारी की गुटका ना काटो यार, कुछ भी ना काटो वन बिचारी नहीं सो सो तो गयो, कुछ भी ना हो सोटो वोटो पर तो जाते ही वैसे ही बूझ रो गई तेरे वन कोई यार फूस काटो जाते ही आके तो वह मारो फावड़ो मरे मराए लाए उठा के ही हम तो कोई वही ना ही वाके तो मौसम जाके ही उस आखिर मार दियो फावड़े काट दियो। दो बार तो जी गाड़ी लेके दस दस पंद्रह पंद्रह बंदे उजीने से आए हैं जी वहां मेरे साथ मारपीट करने के लिए जी। रात को 11-11 बजे मेरे को घर पे हाँ और वहाँ उन्होंने दारू पी है, उन्होंने डेग डूब चला के ऐसे उन्होंने दो दो तीन बार हरकत कर दी। हम तो अपने घर भी डर डर के सो रहे जी। खेत में चारा काटने को लेकर गुंडबास गांव के रहने वाले साकिर और उसकी पत्नी के साथ उजीना गांव के दबंग लोगों द्वारा बीते 15 अगस्त को की गई मारपीट के मामले में नूह पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण पीड़ित साकिर व उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित और उसके परिवार का आरोप है कि दबंग लोगों ने फावड़ा और कुल्हाड़ी से हमला किया था जिससे पीड़ित के सर में गहरी चोट आई थी। आरोप है कि पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया मगर अभी तक राजनीतिक दबाव के चलते किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है मगर 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। पीड़ित का कहना है कि जल्द वह इस मामले को लेकर नूह पुलिस कप्तान वरुण सिंगला से भी मुलाकात करेंगे। जी मेरा नाम साकिर है। क्या मामला है आप लोगों का, कौन सा गांव है? गांव गुंडवास है जी। मामला ये है कि जी 15 अगस्त की बात है, 8वें महीने में 15 तारीख को मेरी घरवाली चारा लेने गई न्यार काटने के लिए और उसके साथ उजीने के दबंग लोग हैं, राजू है, रमेश है, गोलू है, सतीश है, ये करीब 9 बंदे हैं। इन्होंने मिलकर मेरी घरवाली के साथ न्यार भी नहीं काटा उनके खेत से और उसके साथ मारपीट हुई। उसके दौरान वो उनसे छुड़ा के जैसे मेरे पास आई, मेरे को बताया कि ये सब हुआ है मेरे साथ और जैसे ही मैं उनको कहने के लिए गया कि भाई ये तुमने क्या किया, तो उसी दौरान वहां जाते वो पहले मसूरा से वहां बैठे थे, उन्होंने जाते ही मेरे ऊपर फावड़े कुड़ाड़ी धारदार हथियार से, ये मेरा सर फटा हुआ है यहाँ से, ये देखो और ये मेरे फावड़े इनकी चोटे हैं, MLC में मेरे 9 चोटे हैं ये, और ये 15 तारीख का मामला है। इसमें जी 23 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद में अभी तक आज 29 तारीख हो गई, अभी तक इसमें पुलिस ने कोई ऐसी रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया कि उनको उठाया जाए या अरेस्ट किया जाए। और हमने कल जब वहां थाने गए, बार बार हमको वहां से भगाया भी गया और हम फिर SHO के वहां गए, SP ऑफिस वहां जाने के बाद में फिर वहां से उन्होंने कॉल की, हमारी एप्लीकेशन भी जब ली गई और उसमें फिर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में 23 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई डराया धमकाया जा रहा है और रात राजनीतिक इसमें दबाव हम पे दिया जा रहा है कि किसका राजनीतिक दबाव है, ये उन गांव वालों का। अगर पुलिस पे राजनीतिक दबाव ना होता तो फिर हमारे लिए गरीब के लिए आश्वासन नहीं मिलता। अगर आपको चाहिए कम पैसों में अच्छा इलाज तो पहुंच जाइए पिथुरपुरी नगीना रोड पर लाइफ लाइन अस्पताल, जी हाँ जहाँ पर डिलीवरी, लकवा, दमा, सांस, TB, खून की कमी, जोड़ों का दर्द, हवा, चर्म रोग, बच्चेदानी में गांठ, बांझपन, बार बार बच्चा गिरना जैसी तमाम बीमारियों का बेहतर डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। जी हाँ लाइफ लाइन अस्पताल में बच्चेदानी का ऑपरेशन, पित्त की थैली का ऑपरेशन, हर्निया, गुर्दे की पथरी व हड्डी के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सुविधा भी उपलब्ध है।